गुरु जी, अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो किसकी भूमिका अहम है? आस्था, ईश्वर, प्रयत्न या भाग्य? Maybe all of them. शायद इन सबकी जरूरत हो, But in what proportion? पर किस अनुपात में? So when you say fate, जब आप भाग्य का नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके बस में नहीं है। जब आप किस्मत की बात करते हैं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप ईश्वर की बात करते हैं तो उसके बारे में भी आप कुछ नहीं कर सकते। बस आपके हाथों में प्रयत्न ही रह जाता है, तो अपना 100% अपने प्रयत्न पर लगा दीजिए। जो होगा वो होगा, है ना? तो अपनी ऊर्जा व क्षमता के कुछ हिस्सों को भाग्य, ईश्वर, आस्था वगैरह के नाम न छोड़ें। अगर ऐसी कोई चीज है तो वो काम करेगी। आपके हाथ में बस प्रयत्न है ना? बस उसे ही करें। आपका प्रयत्न प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि वो केंद्रित और नपातुला होना चाहिए। बस यूं ही प्रयास करते रहना मूर्खता है ना? सिर्फ मेहनत करने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। सही काम, सही समय, सही स्थान, ये सभी अहमियत रखते हैं, है ना? इन सभी के होने के लिए आपको बोध और समझदारी चाहिए। तो आपको बस अपने जीवन में इतना ही करना है, लगातार अपने बोध और बुद्धिमता में निखार लाने के साधन तलाशते रहें। बाकी सब तो वैसे भी हो ही जाएगा। यही एक चीज है जिसकी ओर मानवता ध्यान नहीं दे रही। वे कोई ना कोई क्षमता पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई खास क्षमता पाने की कोशिश ना करें, बस अपने बोध और बुद्धिमता को बढ़ाएं। फिर जीवन में जिससे भी सामना हो, अभी मान लीजिए दुनिया में ये हमेशा होता रहता है, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है। आजकल नहीं, लेकिन 25 साल पहले ऐसा हुआ करता था। पढ़ाई मतलब सबसे पहले मेडिकल, अगर इसके लिए सीट ना मिले तो इसके बाद क्या? इंजीनियरिंग। सीट ना मिले तो क्या? अगली चीज, फिर अगली चीज। मान लेते हैं कि आप डॉक्टर बन गए, और मान लीजिए सारे लोगों ने योग कार्यक्रम ज्वाइन कर लिए और डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया। कम से कम आपका डॉक्टर के पास जाना कम हो गया है ना? Has it? डॉक्टर के पास जाना कम हुआ या नहीं? निश्चित रूप से कम हुआ है। तो धंधा नहीं चलेगा। ये पैसा कमाने के लिए एक अच्छा प्रोफेशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम डॉक्टर हैं जो वास्तव में डॉक्टर बनना चाहते हैं। बाकी लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनते हैं, है ना? Isn't it so? अधिकतर लोग डॉक्टर इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी दूसरे की बीमारी उनके लिए मुनाफे का धंधा हो सकती है। मैं इस बात के दूसरे पहलुओं को नहीं छूना चाहता, लेकिन इससे मुझे परेशानी होती है। कुछ लोग सही मायनों में डॉक्टर बनना चाहते हैं। वो मनुष्य के तंत्र को समझकर उस दिशा में सेवा करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कि सभी स्वस्थ हो जाएं। आपको ये नहीं चाहिए, है ना? आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। सफल होने की कोई तय रेसिपी नहीं होती। सफलता वही है जब आप अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डॉक्टर बनते हैं या नेता या योगी या कुछ और। इससे फर्क नहीं पड़ता। सफलता का अर्थ है कि आप जीवन को अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहे हैं। वही सफलता है। That's what success means. यदि ऐसा होना है तो आपको बोध के साथ एक सक्रिय बुद्धि की जरूरत होगी। मैं अपनी बुद्धि कैसे बढ़ाऊं, इस बारे में चिंता ना करें। इस समय अपने बोध में निखार लाना जरूरी है। अगर आप जीवन को जैसा वो है वैसा ही देख पाते हैं, तो आपके पास इसे ठीक से चलाने योग्य बुद्धि होगी। अगर आप जीवन को उसके असली रूप में नहीं देख सके, तो आपकी बुद्धि आपके खिलाफ चलेगी।
इस ग्रह के अधिकतर अकलमंद लोग आम तौर पर दुनिया के सबसे ज्यादा दुखी लोगों में से रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास सक्रिय बुद्धि तो है लेकिन वो जीवन को ठीक से देख नहीं पाते। तो एक बात, एक अहम बात जिस पर लोगों ने काम नहीं किया वो है अपने बोध में निखार लाना। वो अपने मन का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतना अहमियत नहीं रखता। वो आपको केवल सामाजिक रूप से सफल बनाएगा लेकिन सही मायनों में सफल नहीं। अगर आप सही मायनों में सफल होना चाहते हैं तो आपको हर चीज को उसी रूप में देखना होगा जैसी वो है, बिना किसी विकृति के। अगर आप हर चीज को उसके असली रूप में देखना सीख गए तो जीवन एक खेल बन जाएगा। आप इसे पूरे आनंद के साथ और अच्छे से खेल सकेंगे। अगर आप इसे अच्छी तरह खेल सके तो लोग आपको सफल जानेंगे। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सफल होना चाहता हूं। ये कभी ना सोचें कि मैं सफल होना चाहता हूं। बस इतना देखिए कि कैसे आप खुद को एक पूर्ण विकसित इंसान बना सकते हैं। एक दिन लोग कहेंगे वो एक सफल आदमी है। आप सफल होने की चिंता न करें, ये जीने का सही तरीका नहीं है। आप बस दुख और दर्द पैदा कर लेंगे खुद के लिए और बाकी सभी के लिए भी, क्योंकि आपके लिए सफलता का अर्थ है किसी और के सिर पर सवार होना, है ना? आपके लिए सफलता यानी सब आपसे नीचे हों और आप सबसे ऊपर, आपके लिए यही सफलता है। ये सफलता नहीं है, ये बीमारी है। सफलता के बारे में कभी न सोचें, बस ये देखें कि कैसे खुद को एक संपूर्ण इंसान बनाया जाए। फिर खुद ही ये प्रकट होगा। अगर इसने एक अच्छा रूप लिया तो आपके आसपास के लोग कहेंगे ये व्यक्ति सही मायनों में सफल रहा। ये अच्छी बात होगी। लोग आपकी सफलता को पहचाने। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे सफल हूं, ये जीवन जीने का गलत तरीका है।